लेट्स स्टार्ट मेकिंग मशरूम मसाला फ्रेंड्स. उसके लिए मैंने ये मशरूम्स लिए हैं जिनको मैंने एक मशरूम को चार पीसेस में काट लिया है. ये अप्रॉक्सीमेटली वन पैकेट दैट इज 200 ग्राम्स मशरूम है. ये मैंने दो मीडियम आनियंस को बारीक काट लिया है. ये मैंने तीन टमाटर लिए हैं जिनको मैं अभी मिक्सर में डाल के प्योरी बना लूँगी. ये ऑयल है 3 टेबल स्पून. ये हाफ टी स्पून मैदा है जो हमें थिकनिंग के लिए काम आएगी. इसके लिए आप कैश्यू पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं पर मैंने इस डिश में मैदा यूज़ किया है. गार्निशिंग के लिए ग्रीन कोरिएंडर है और मलाई है. मलाई की जगह आप ग्रीन फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं. ये ग्रीन चिली एक बारीक कटी हुई. ये गार्लिक 4 क्लोव्स हैं बारीक कटे हुए. ये आधा चम्मच ग्रेटेड जिंजर है. ये कसूरी मेथी है जो हम लास्ट में ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे. नमक आपका एज पर टेस्ट है. मिल्क मैंने लिया है इन केस हम उसकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लास्ट में हम मिल्क ऐड कर सकते हैं. और मसालों में मैंने लिया है ये जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी 1/2 टीस्पून, और ये थोड़े खड़े मसाले हैं. दालचीनी है, 2 ग्रीन कार्डमम यानी हरी इलायची है और 4 लौंग हैं. लौंग यानी क्लोव्स हैं. और 1 क्यूब मैंने बटर का लिया है जो हमारी इस डिश का टेस्ट को एनहांस करेगा. अब हम स्टार्ट करते हैं मशरूम मसाला बनाने के लिए. ये वो टमाटर हमने मिक्सी में ऐसे चला के प्योरी बना लिया है और गैस ऑन कर देते हैं. सबसे पहले पैन में हम डालेंगे ऑयल. गर्म होने देंगे. इसमें मैं डालूंगी अनियंस बारीक कटे हुए और इनको अच्छे से भून लेना है जब तक कि लाइट ब्राउन ना हो जाएंगे. होने लगे हैं ब्राउन, लेकिन अभी इनको थोड़ा और ब्राउन हमें करना है. अब ये अनियंस हमारे ब्राउन होने लगे हैं. अब इसमें मैं ये ग्रीन चिलीज, जिंजर, गार्लिक, मसाले ऐड करूंगी. पहले खड़े मसाले ताकि वो थोड़ा प्याज के साथ भुन जाए और उनका फ्लेवर आ जाए. हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये जीरा पाउडर. इसमें मैं ये बटर भी ऐड कर दूंगी. और अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटो प्यूरी जो हमने 3 टमाटर को मिक्सी में पीस के लिया है. गैस को मैंने इस समय हाई पे कर दिया है और इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि इसका मॉइस्चर थोड़ा सूख जाए और थोड़ा ऑयल ऊपर फ्लोट हो जाए. अब हम इसको देखते हैं. इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मिनट्स हो चुके हैं टमाटोज को कुक होते हुए और ये लगता है कि कुक हो गए हैं. देखिए ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया है. अब दिस इज़ द टाइम व्हेन वी ऐड मशरूम. ग्रेवी के साथ अच्छे से सॉटे कर लेंगे और सॉल्ट डालेंगे. सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. मशरूम्स को कुक होने के लिए फिर से हम इसे थोड़ा 2 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे और गैस मीडियम पे कर देंगे.
चुके हैं मशरूम को कुक होते हुए, और ये ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें मलाई ऐड करूंगी फेंट के अच्छी तरह, 2 चम्मच। इसको मिक्स करने के बाद मैं उसमें आधा चम्मच मैदा ऐड करूंगी टू मेक द ग्रेवी थिक। अभी ये थोड़ी ज्यादा थिक लग रही है, तो यू कैन ऐड मिल्क ऑल्सो। आई विल ऐड 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क टू बैलेंस द कंसिस्टेंसी। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूंगी, जिसको मैं अपने पाम पे लेकर और हाथ से ऐसे क्रश करके उसमें स्प्रिंकल करूंगी। उसका अरोमा इस तरह से बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में मैं इसमें पिंच ऑफ शुगर ऐड करूंगी। आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज यू कैन अवॉइड ऑल्सो, बट इट टेस्ट रियली गुड। अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। इसको हरे धनिए से गार्निश करूंगी और थोड़ा क्रीम ऊपर डालूंगी, सो दैट इट लुक्स गुड।